हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ बच्चों का फटाफट से खाना रेडी करने के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी स्कूल से आके इन लोगों के ड्रामे शुरू हो जाएंगे। और आज का स्टार्ट व्लॉग जो है, मेरे को स्टार्ट करने का टाइम मिला है आफ्टरनून से, मतलब 11:30 का टाइम हो रहा होगा। उससे पहले मैं बहुत बिजी थी क्योंकि आज मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पूरी, क्योंकि बच्चों को पूरी और पकवान बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जैसे कहा था आके उनके नखरे शुरू होंगे, तो यहाँ पर वो दोनों बैठे हैं अपनी ज़िद पे कि हमें कुछ स्नैक्स खाना है, हमें कुछ स्नैक्स खाना है। बारिश के दिनों में ऐसा मौसम हो रहा है ना, तो बच्चों को पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ भी बाहर अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं इनको जब से यही समझा रही हूँ, बेटा प्लीज़ ऐसे मत करो, ज़िद अच्छी बात नहीं होती। तो मैं बच्चों को लेके बस मम्मी के घर पहुँची थी नेक्स्ट डे। यहाँ मम्मी बना रही थी आज इडली सांभर, और मम्मी बना रही थी मूंगफली और चने की चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। यहाँ पर मैंने टमाटर अदरक वगैरह ग्राइंड करके रखा था। बोली मम्मी कि इसको मैं मसाले में डालूँगी। मैंने कहा ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, फिर भी मैंने मम्मी को बोला मम्मी क्यों परेशान हो रहे हो। मम्मी ने फिर भी जल्दी से जल्दी इडली सांभर सब बना कर रेडी कर दिया था। पूर्वी को इडली बहुत अच्छी लग रही थी, ये मुझे थोड़ा शौक लग रहा था क्योंकि उसने आज से पहले कभी इडली खाई नहीं है। हालाँकि हम लोग तो खा लेते हैं, मैं भी यहाँ पे बस टेस्ट करके देख रही थी थोड़ा सा खाऊंगी। बहन आज यहाँ है नहीं, उसका था बॉम्बे में कोई इंटरव्यू, तो आई थिंक वो वहाँ गई हुई है। मम्मी ने मेरे को बताया कि कल ही गई है एकदम। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आएगी जब उससे जब मिल लेंगे, आज इतना ही बहुत है। मम्मी से मिल के थोड़ा सा ना एक आगे का कुछ आगे के दिन ऐसे रिलैक्सफुल चले जाते हैं कि टेंशन नहीं होती। यहाँ मम्मी ने बना रखे थे आटे के थोड़े से लड्डू, आटे और ड्राई फ्रूट के। मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। मम्मी को मेरे हाथ के नमकीन चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने घर जाके मम्मी के लिए थोड़े से राइस बनाए। गुनू ने यहाँ पर ढूंढ लिया अपना पेंटिंग करने का ज़रिया। एक पेंटिंग बना के लड़का इतना खुश कि बस पूछो मत। बोला मौसी की फ़ाइल है, मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा पहले उसको पूछ लेना, तो इसने पूछ लिया था और ले लिया था। सबके तीज त्यौहार जा रहे हैं, तो मम्मी ने मेरा ला कर रखा था। मम्मी बोली कि अपना थोड़ा सा सामान ले जाना, बस मैं वही लेके बस अब घर के लिए निकलूँगी। मम्मी बोली कुछ खा ले, मैंने कहा नहीं, मन नहीं हो रहा बिल्कुल। दोपहर में इडली वगैरह खाई थी ना, तो मुझे थोड़ा अपसेट फील हो रहा था। पता नहीं गॉल ब्लैडर निकलने के बाद कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता इजीली। तो मैं मम्मी को टाटा बाय बाय बोल के अपने घर जा रही हूँ। एंड ये है तीज वाले दिन की वीडियो, जब मैंने घेवर का डब्बा ओपन किया। ये हमारे यहाँ गंगा विहार में शाहजी मिठाई वाले हैं, उनके यहाँ का घेवर बहुत ही टेस्टी होता है। हालांकि पापा इस बार सराय से भी लेके आए थे, सराय वाले घेवर के कंपटीशन में तो आप किसी भी घेवर को नहीं रख सकते हो, वो घेवर तो बहुत ही अच्छा था एकदम। बस फिर मैंने बोला चलो थोड़ा सा इसी से भोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी के नाम का मैंने कल ही निकाल दिया था। तो आज है तीज का त्यौहार, थोड़ी सी देर के लिए मैं सूट पहन के रेडी हुई थी। मैंने कुछ रील्स बनाई, दो तीन वीडियोस बनाई, ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहनी बैंगल से मम्मी ने मुझे दी थी। तो बस उनको उतार के मैं तो थक गई, बहुत देर पहन लिया। भैया दिल्ली में गर्मी इतनी है ना, हालांकि बादल वाला मौसम है लेकिन फिर भी कपड़ा पहना नहीं जा रहा, फटाफट फोल्ड करके रखा। और शाम को मैंने करी खाने की तैयारी, बच्चों ने एज यूजुअल डिमांड करी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी की, तो मैं बस वही रेडी कर रही हूँ फटाफट। आप ये देखो, आप अकेले होते हो ना, जब खुद पे सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से सारे काम करने सीख जाते हो। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी थोड़ी सी खीर सब्ज़ी और पूड़ी। ये चीज़ मैंने सीखी अपनी सास से, वो शुरू से अकेले करती आई हैं ना, तो उनको अकेले के हाथ का ही पसंद है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती हमारे हाथ का खाना, वो अपने हाथ का ही पसंद करती है। मैंने ये चीज़ उनकी शुरू से नोटिस की है। तो ठीक है, आप सब अपने अपने हिसाब से बनाओ और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जितना आप खुद सेल्फ डिपेंड हो जाओगे जितने जल्दी, उतना आपके लिए अच्छा है। किसी से भी उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बनाओ खाओ खुश रहो। देन मैंने लड्डू गोपाल को लगाया पूड़ी से भोग, पूड़ी और खीर से, क्योंकि सब्ज़ी में तो ओनियन था तो वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ पूड़ी और खीर का भोग लगाया। लड्डू गोपाल को थोड़ा सा सहलाया, वो हो गए बहुत ज़्यादा खुश। पूर्वी बोलती है मम्मी लड्डू गोपाल को भूख लग रही है, उन लड्डू गोपाल को भूख लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको बुला के मैंने स्पेशली मैंने बोला चल देख लड्डू गोपाल को खाना खिलाएंगे आ जा। फिर पूर्वी और गुनू दोनों को दिया मैंने डिनर।
दोनों ने खाना खा के एकदम मौसम वाली फीलिंग में मेरे को बोले, मम्मा बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ये मेरी मेहंदी, मैंने और पूर्वी ने मेहंदी लगाई थी, पूर्वी को भी मन कर रहा था तो मैंने उसको भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दी थी। सावन का महीना है, ऐसे में बहुत ही अच्छा होता है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी डिफरेंट देखने को मिलती हैं और करने को मिलती हैं। रात में गुनू का ड्राइंग का वर्क कंप्लीट करते हुए हम बस अब सोने की तैयारी करेंगे, बहुत थक गए हैं। दो तीन दिन से मौसम ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी नींद आने लगती है। तो गाइस, ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू आप लोगों को इतना व्यूज़ देने के लिए, बट मैं चाहती हूँ और थोड़ा स्कोप आगे बढ़े, ऐसे ही धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती रहे। ओके, टाटा बाय।